प्रभास की सालार फिल्म की 40% शूटिंग कंप्लीट, एक से बढ़कर एक एक्शन सीन हो चुके हैं शूट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय साउथ सुपरस्टार प्रभास उनकी आने वाली फिल्म सालार को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं। वो इस समय इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। आज हम आपके लिए इसी फिल्म की शूटिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सालार फिल्म की शूटिंग को हैदराबाद में शूट किया जा रहा था और वहां पर प्रभास इस फिल्म के सारे खतरनाक एक्शन सीन को शूट कर रहे थे, तो खबर ये है कि इस फिल्म के एक्शन सीन की शूटिंग अब कंप्लीट हो गई है। जी हाँ, हैदराबाद में हो रही शूटिंग खत्म हुई। इसी के साथ सालार फिल्म की 40% शूटिंग पूरी हो चुकी है। क्योंकि ये एक एक्शन फिल्म है और इस फिल्म में प्रभास है और इस फिल्म का डायरेक्शन साउथ के बड़े और जाने माने डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इससे ये तो साफ है कि फैंस को इस फिल्म में बहुत सारे एक से बढ़कर एक एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको कहा कि ये एक एक्शन बेस्ड फिल्म है, तो इसे और भी अच्छा और दमदार बनाने के लिए इसके एक्शन सीन को बड़े पैमाने पर शूट किया गया है। सालार इस फिल्म को प्रभास की फिल्म बाहुबली जैसा हिट बनाने की पूरी तैयारी है। बता दें कि लोगों को इस फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि प्रभास की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जबकि कोरोना के बाद से सिर्फ साउथ की ही फिल्मों का बोलबाला है। इसके लिए वो और पूरी टीम इस फिल्म को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यही वजह है कि उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सभी ने बहुत मेहनत से काम किया है। हमने आपको बताया कि इस फिल्म के डायरेक्शन साउथ के ही बड़े डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो और कोई नहीं बल्कि केजीएफ और केजीएफ 2 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी का निर्देशन कर चुके प्रशांत नील है। और इस फिल्म को पैन इंडिया फिल्म के रूप में बनाया जाएगा। इसे हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में भी डब किया जाएगा। इसलिए ये फिल्म बहुत ही खास है और यही वजह है कि फैन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। बात करें फिल्म की रिलीज की, तो सालार को 2023 में रिलीज कर सकते हैं और इस फिल्म में प्रभास के साथ श्रुति हसन नजर आएंगी। ये जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर साथ आ रही है। इस फिल्म में जगपति बाबू भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।